हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग क्या होता है कि एक कंज्यूमर जब भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाता है, अगर उसको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, वो उसकी ज़्यादा प्राइस पे करना चाहता है, बट एक्चुअल में अगर वो कम प्राइस पे करे तो उसमें जो डिफरेंस है That is called the consumer surplus। इसको हम एक एग्जाम्पल से सोचते हैं। मान लो आप मार्केट में गए, आपने कोई शर्ट खरीदनी थी, आपको वो शर्ट बहुत अच्छी लगी, आप उसके लिए 700 पे करने को रेडी हो, बट एक्चुअल में वो आपको शर्ट 500 में मिल जाती है, लेकिन आप कितना पे करना चाहते थे उस शर्ट के लिए? 700। एक्चुअल में कितना पे किया? 500। डिफरेंस बिटवीन द 700 एंड 500 इक्वल्स टू 200। वो क्या है? आपका कंज्यूमर सरप्लस। जब कोई पर्सन विलिंग टू पे, आप विलिंग टू पे कितने है? 700, और एक्चुअली यू पे 500, तो 200 हमारा बन गया कंज्यूमर सरप्लस। इकोनॉमिक्स में हम आज यही देखेंगे, एक कंज्यूमर का सरप्लस कैसे होता है, कितना हो सकता है, वो कितना विलिंग टू पे करना चाहता है। कंज्यूमर सरप्लस को कॉसोनियस ने कैसे डिफाइन किया है? ही सेड कंज्यूमर सरप्लस इट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस, किसका डिफरेंस? बिटवीन द अमाउंट फॉर अ कॉमोडिटी एक्स। एक कॉमोडिटी हम लेना चाह रहे हैं, उसका डिफरेंस किसके किसमें? विच अ कंज्यूमर एक्चुअली पे, आपने जितना एक्चुअल में वो कॉमोडिटी का प्राइस पे किया है, एंड दैट ही वुड बी विलिंग टू पे, आप उस गुड की कितनी प्राइस पे करना चाहते थे फॉर दिस क्वांटिटी, उसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। इन दोनों का डिफरेंस क्या बन गया हमारे पास? कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम कैसे देख सकते हैं? कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस द प्राइस दैट ही एक्चुअली डज पे, जितनी प्राइस वो एक्चुअल में पे करता है। इन दोनों का डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस है। जैसे मैंने कहा, आपने भी कोई शर्ट खरीदी, वो शर्ट की प्राइस आपने कितनी पे की? 500, बट आपको वो बहुत अच्छी लग रही थी, आप कह रहे थे अगर जी 700 की होगी मैं परचेज कर लूंगा, यू आर विलिंग टू पे 700, बट एक्चुअली यू पे 500, द डिफरेंस बिटवीन द बोथ एक्चुअली विलिंग टू पे एंड बट यू पे, इन दोनों का डिफरेंस 200, That is your consumer surplus, यही आपका consumer surplus है। अब हम इसको table और diagram के through करेंगे। Consumer surplus के first approach है Marshall approach। जो हमने cardinal utility analysis किया था, Marshall approach की थी, हम पहले वो ही कर रहे हैं, Marshall approach। वो किसके ऊपर depend करती है? जी consumer surplus, इसको मेजर हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अब इसमें, इस अप्रोच में अजम्पशंस वही हैं जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी की थी, कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कॉन्स्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइन कर रही है, फैशन टेस्ट प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा, रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो सारे अजम्पशंस हैं। अब हम इसको देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस को विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। इसमें हमने पहले क्या लिया? क्वांटिटी 1, 2, 3, 4 एंड प्राइस विलिंग टू अ पे, आप कोई कॉमोडिटी या कॉमोडिटी एक्स, उसकी
परचेज करना चाहते हो उसके लिए प्राइस विलिंग टू पे, ठीक है। अब मान लो आपको कीरिंग अच्छे लगते हैं, आप कोई कीरिंग लेने गए मार्केट में, आपको वो कीरिंग इतना अच्छा लगा कि आप उसकी रुपीज 50 पे करने को रेडी, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी है रुपीज 20। तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, 50 - 20 = 30। अब अगर आप उसकी सेकंड यूनिट परचेज कर रहे हो, लेकिन जब हम सेकंड यूनिट परचेज करते हैं, सेकंड यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डमनिश करेगी, डिक्लाइन करेगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, डमनिश कर रही है। तो अगर आप पहली से 50 यूनिट्स गेन कर रहे हो, तो आप उससे सेकंड यूनिट से उससे कम यूटिलिटी मिलेगी। अगर किसी कॉमोडिटी से यूटिलिटी कम मिलेगी, तो आप उसकी प्राइस भी कम पे करना प्रेफर करोगे। सो आपकी यूटिलिटी डिक्लाइन कर गई, तो आप सेकंड यूनिट के लिए कितने रुपीस पे करने को तैयार हो, 40। वही प्रोडक्ट जब पहले क्वांटिटी खरीद रहे थे 50 पे करने को रेडी थे, लेकिन अब कितने पे करने को रेडी हो, 40। एक्चुअल में यू पे रुपीज 20। डिफरेंस बिटवीन द बोथ इक्वल्स टू 20, दैट इज अवर कंज्यूमर सरप्लस। लाइक दिस थर्ड यूनिट आपकी विलिंगनेस और कम हो जाएगी, आप और ज्यादा कम पे करने को रेडी होंगे। तो आपने 30 रुपीज पे करना प्रेफर करते हो, लेकिन एक्चुअली पे 20। डिफरेंस बिटवीन द बोथ इक्वल्स टू 10 यूटिलिटीज अवर कंज्यूमर सरप्लस। अगर आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, फोर्थ यूनिट भी ले रहे हो, तो आपकी विलिंगनेस और कम होगी, आप उसके 20 रुपीज देने को रेडी हो। एक्चुअल में 20 ही पे किए, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया हमारा, 0। अगर हम इनकी चारों क्वांटिटी को ऐड कर लें, तो प्राइस विलिंग टू पे इक्वल्स टू 50, 40, 30, 20, 140। बट एक्चुअली यू पे 20, 20, 20, 20, दैट इज 80। 140 - 80 = 60। आपका 6 रुपीज 60 इज अ कंज्यूमर सरप्लस है। इसी बेस पर ही मार्केट में बल्क क्वांटिटी सेल करने के लिए शॉपकीपर क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे, तो आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस कम पे करनी पड़ेगी। इट मीन्स क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए कंज्यूमर क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेता है और शॉपकीपर की भी ज्यादा क्वांटिटी सेल हो जाती है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस क्यों लो किए जाते हैं, वो इसी का फंडा है। जब हम कोई प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है और कंज्यूमर भी कम विलिंग होता है उस प्रोडक्ट के प्राइस पे करने को। जी था कंज्यूमर सरप्लस। अब हम इसको करेंगे डायग्राम के थ्रू। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीस। क्वांटिटी हमने जैसे कहा फर्स्ट केयरिंग की कंज्यूमर कितने प्राइस देने को तैयार है, रुपीज 50। सेकंड की 40 यूनिट्स, थर्ड के वो 30 रुपीज से पे करने को रेडी है, एंड फोर्थ के कितने, 20 रुपीज पे करने को रेडी है। फर्स्ट के वो 50 रुपी पे करने के लिए विलिंगनेस है, सेकंड के लिए उसकी विलिंगनेस कम होगी, क्योंकि जितनी क्वांटिटीज उसके पास इंक्रीज होती जाती हैं, उसकी विलिंगनेस उस चीज को लिए कम होती जाती है। यूनिट थ्री यूनिट्स के लिए भी वो 30 पे करने को तैयार है, और फोर यूनिट्स के लिए 20 पे करने को रेडी। एक्चुअल में वो कितनी प्राइस पे करते हैं, रुपी 20 पर यूनिट। कितनी पे कर रहे हैं वो, रुपी 20। एक्चुअल पे कितना कर रहे हैं, दिस 1, 2, 3, 4 जे एक्चुअल पे कर रहे हैं। और जो जे एरिया है
ये एरिया, इसको अगर हम मिला लें एक डिमांड कर्व भी बन सकती है। एक्चुअल में कंज्यूमर 4 यूनिट परचेज करने के लिए कितना रेडी था पे करने के लिए, ओ ए बी सी डी। ही इज विलिंग टू पे ओ ए बी सी डी, बट एक्चुअली वो पे कितना कर रहे हैं, ओ ई, ओ ई सी डी, ओ ई सी डी। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आया, ई ए बी सी, ई ए बी सी, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। इट मीन्स क्या है कंज्यूमर सरप्लस, क्या है एक कंज्यूमर कुछ यूनिट्स परचेज करने के लिए कितने रुपी पे करने को रेडी है और एक्चुअल में वो कितने पे कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या बन जाता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। जे एरिया क्या हो गया, उसकी सेविंग होगी, जे हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। जे था हमारा कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट मार्शल अप्रोच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हिक्सियन अप्रोच। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।